नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। बीते दिनों कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। हाल ही में उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स फिल्म इंडस्ट्री में उनके फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते थे। पेरेंट्स उनके करियर को लेकर ज़्यादा परेशान न हो, इसलिए उन्हें बैकअप प्लान के साथ इंडस्ट्री में आना पड़ा। उन्होंने बताया कि उन्होंने जीमेट एग्ज़ाम दिया था सिर्फ इसलिए कि अगर फिल्मों में वो सफल करियर न बना पाए तो कम से कम किसी अच्छे बिजनेस स्कूल से पढ़ाई तो हो जाएगी। कृति ने कली टल्स नाम के यूट्यूब चैनल से बात करते हुए बताया कि शुरुआत में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने कहा, मैंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। मेरे पहले रैंप शो में मेरे कोरियोग्राफर ने मुझे करीब 50 लोगों के सामने डांटा था। वो मुझसे बहुत नाराज़ थी क्योंकि मैंने शो के दौरान कोरियोग्राफी में कुछ गड़बड़ कर दी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रूड थी। दरअसल मैं पहली बार रैंप पर थी और ये इवेंट किसी फार्म हाउस में था जहाँ गीली मिट्टी में मेरी हील सैंडल फंस रही थी। वे मुझ पर भड़क गई और मैं वहीं रोने लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।